रियलमी 2N C1 में आपको डार्क मोड का अपडेट मिल चुका है, पर ये जो अपडेट है इस अपडेट के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा बग्स देखने को मिला है। फिलहाल जो जो एप्लीकेशन डार्क मोड में सपोर्टेड नहीं है उन एप्लीकेशन को भी फोर्स डार्क मोड करके ये लोग पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। सिस्टम वाइड जो डार्क मोड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जिसके अंदर आपको गैलरी से लेके सब कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छे डार्क में देखने को मिल जाएगी, मोबाइल फ़ोन ही आप कह दें सब कुछ मिल जाएगी। पर क्या हो रहा है, जो जो एप्लीकेशन डार्क मोड की ज़रूरत नहीं है उन एप्लीकेशन को भी ये लोग डार्क मोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आज डार्क मोड के बारे में मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, तो इसीलिए मेरे ये वीडियो देखते रहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आप डार्क मोड से थोड़ा बहुत फंसे हुए हैं तो। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से सब्सक्राइब कर देना। तो भाई यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग बात करते हैं भाई डार्क मोड के बारे में। तो डार्क मोड के अंदर जो मेन अच्छा खासा चीज़ है वो है भाई इसका स्टेटस बार डार्क हो चुका है, इसका जो मोबाइल का डायल पैड है वो भी डार्क हो चुका है, और काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पर प्रॉब्लम आ रहा है कि लाइक अमेजोन लाइक फ्लिपकार्ट ये सब एप्लीकेशन में आपको डार्क मोड का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और जिसके चलते हमें थोड़ा बहुत ऑकवर्ड टाइप का एक थीम या एक लेआउट आप बोल सकते हैं वो मिल रहा है। तो चलिए अगर आप इससे बचना चाहते हैं, मान लीजिए आपका कोई एप्लीकेशन में डार्क मोड पसंद नहीं आ रहा है, लाइक मेरा गूगल कीप नोट्स ये वाला जो एप्लीकेशन है कीप नोट्स आप देख रहे हैं, ये वाला एप्लीकेशन में मुझे डार्क पसंद नहीं है, तो ऐसे में आप डार्क मोड को कैसे हटा सकते हैं और साथ ही साथ आपको कौन कौन सी एप्लीकेशन में डार्क मोड हटाना चाहिए इसके बारे में ये वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं डार्क मोड के अंदर, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर। मैं आ चुका हूँ मेरे सेटिंग्स में। अगर आपको डार्क मोड में इंडिविजुअल एप्लीकेशन को चेंज करना है, बाय डिफॉल्ट तो डार्क मोड अप्लाई रहता है, पर इंडिविजुअल एप्लीकेशन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो एकदम स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना पड़ेगा रियलमी लैब में, और रियलमी लैब में आने के बाद आपको डार्क मोड देखने को मिल जाएगा। उसी डार्क मोड के अंदर आपको टैप करना है, जिसके अंदर आपको नॉर्मल वाला जो पहले लेआउट मिलता है वही लेआउट मिलेगा, उसके नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डार्क मोड फॉर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। सिंपली यहाँ पे आपको जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको सारे के सारे एप्लीकेशन का लिस्ट दिया जाएगा जो जो एप्लीकेशन डार्क मोड सपोर्टेड है। तो इस एप्लीकेशन में डार्क मोड सपोर्टेड है, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कौन कौन से एप्लीकेशन में डार्क मोड रखना चाहिए। मान लो जैसे कि मैंने अमेजोन शॉपिंग में डार्क मोड को हटा के रखे, आपको अंदाज़ा भी नहीं है अगर आप अमेजोन यूज़ करते हैं तो कितना ऑकवर्ड टाइप का एक फील आ रहा है जब तक आप डार्क मोड में उसे यूज़ करें। कुछ कुछ फ़ोन है, कुछ कुछ रिव्यू है, वहाँ पर पूरा डार्क एरिया आ रहा है और जहाँ पर पता भी नहीं चल रहा कि लिखा क्या है वहाँ पर। और ऐसे करके जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको डार्क मोड से हटा दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम यह आ जाता है कि उसी डार्क मोड एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पे जो कि कैलेंडर वगैरह है, कैमरा वगैरह है, उसके बाद आपको ये जो कैंडी क्रश सागा है, ये गेम है, इसमें डार्क मोड की कहाँ पर ज़रूरत है। इसीलिए भाई ये जो गेम्स टाइप के, ऐसे में बहुत प्रॉब्लम आती है कि क्या मैंने देखा कि कैंडी क्रश खेलने के टाइम जो नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं कि इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद ये स्टेप, जो नोटिफिकेशन आता है वो टोटली डार्क मोड में आ रहा है, तो ऐसे में आपका प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने रियलमी कम्युनिटी को ऑफ इसीलिए किया क्योंकि रियलमी कम्युनिटी में जो लेआउट है वो डार्क काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पिच डार्क मोड में आ रहे हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पर प्रॉब्लम एक जगह में आ रहा है जहाँ पे आर्टिकल्स लिखा हुआ है वो व्हाइट है और उसके ऊपर से डार्क एक बॉर्डर आपको देखने को मिल रहा है, जिसके थ्रू आप पूरा आर्टिकल्स को पढ़ नहीं सकते, साइड बाय साइड कटआउट्स मिल रहा है आपको, इसीलिए मैंने कम्युनिटी में हटा दिया। अब जो एप्लीकेशन है जिसे एप्लीकेशन में डार्क मोड की ज़रूरत नहीं, लाइक फेसबुक में जो डार्क मोड है वो एक्चुअल तरीके से काम करता है, यानी पूरी तरह से काम करता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम फेसबुक में डार्क मोड में देखने को नहीं मिलेगा। पर फ्लिपकार्ट में डार्क मोड की क्या ज़रूरत है, आप खुद ही देखेंगे डार्क मोड को इनेबल करके और डिसेबल करके आपको डार्क मोड में फ्लिपकार्ट में काफ़ी एक इरिटेटिंग वाला फील आ जाएगा। अब ये गाना भी डार्क मोड करने की क्या ज़रूरत है, उनमें से पहले से ही डार्क मोड है, आप गूगल में डार्क मोड है ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि इससे आपका बैटरी थोड़ा बहुत कंजम्पशन बचेगा। गूगल पे में आप डार्क रख सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अब इंस्टाग्राम में डार्क मोड पहले से था, एक्चुअली आप लोगों को पहले से नहीं था, आप लोग इंस्टाग्राम में डार्क मोड ऐड कर सकते हैं। कीप नोट्स में आप डार्क मोड को हटा दीजिए क्योंकि अगर आप कुछ लिखते हैं और उस लिखा को, उस राइटिंग को, कोई एक टेक्स्ट को आप कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से कहाँ सिलेक्ट हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार आपको ये बात बोल देता हूँ कि कीप नोट से हटा दीजिए, नहीं तो एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अब काइन मास्टर से मैं हटा देता हूँ क्योंकि काइन मास्टर में डार्क थीम अच्छा नहीं लगता, वैसे भी वो डार्क ही है, उसमें और भी डार्क करना थोड़ा बहुत इरिटेटिंग वाला लगता है। अब मिनी मिनी से हमें डार्क क्या रखे, तो मैंने जो जो एप्लीकेशन है उसी एप्लीकेशन के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ और आप अपने हिसाब से उनको ठीक कर सकते हैं। पर एक जो मेन मेजर चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो है व्हाट्सएप।
देखो भाई, व्हाट्सएप एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर बेसिकली मैंने 100 प्रॉब्लम्स रहने के बावजूद भी यहाँ पे डार्क मोड को अप्लाई इसलिए करके रखे हैं कि मुझे बहुत अच्छी लगती है व्हाट्सएप का वो डार्क वाली लेआउट, तो इसलिए आप रख सकते हो। प्रॉब्लम एक ही आएगी कि अब जब मैसेज सेंड करोगे तब आपको कुछ दिखाई नहीं मिलेगा, अब जब मैसेज को रिसीव करोगे या उस साइड से जब कोई मैसेज करेगा वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी हिसाब से आप रख सकते हो, मैंने रखा है, आपका हिसाब है तो आप हटा भी सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। WPS ऑफिस, YT स्टूडियो, ये सब रख सकते हो। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो जो एप्लीकेशन में सिस्टम वाइड डार्क मोड है, लाइक मैं कीप नोट्स की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, ट्विटर की बात कर रहा हूँ, जो जो एप्लीकेशन में डार्क थीम अप्लाई करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, उस जैसे एप्लीकेशन में डार्क थीम को हटा के रखिए ताकि आपको एक काफ़ी अच्छा फील देखने को मिल जाए मोबाइल में, नहीं तो एक बहुत ही ऑकवर्ड टाइप का फील देखने को मिलेगा। तो ये है कि छोटा सा रिव्यू डार्क मोड के बारे में, और आपको थोड़ा बहुत कुछ बताना था जो मैंने फेस किया और मैंने एक्सपीरियंस से हिसाब से मैंने आपको बताया। अभी आप सोचो कि आपको कौन कौन से एप्लीकेशन में डार्क मोड रखना है और कौन कौन से एप्लीकेशन में डार्क मोड नहीं रखना है, क्योंकि मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे जो डार्क मोड है इसको परमानेंट बेसिस में रख रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि व्हाइट मोड रख रहे हैं उसके बाद रात में डार्क मोड रख रहे हैं, मैं यहाँ पे परमानेंट बेसिस डार्क मोड रख रहा हूँ क्योंकि मुझे डार्क मोड बहुत ज़्यादा पसंद। तो भाई लोग बस इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में छोटा सा यही आपको बताना था कौन कौन से एप्लीकेशन में डार्क मोड काम करता है, कौन कौन से एप्लीकेशन बेकार है डार्क मोड के लिए, थोड़ा बहुत मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया। अभी आप बताओ नीचे कमेंट में आपको क्या लगता है डार्क मोड के बारे में, अगर आपको सारे के सारे एप्लीकेशन डार्क मोड अच्छा लगता है तो रख दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई लोग बस इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो एक बार लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो भाई लोग गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।